हमारे साथ में इस समय मशहूर फिल्म अभिनेता, निर्माता और निर्देशक सतीश कौशिक जी मौजूद हैं, जो यहाँ पर आज दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का हिस्सा बने, उसके साक्षी बने। सतीश जी, इन्वेस्टर सबमिट जब हुआ फरवरी 18 में, तब से लेके अभी तक का सफ़र आपने देखा है, क्या अनुभव आपका रहा है? क्या लगता है जो वादे उस समय किए गए थे, जो MOU हुए थे, जो उम्मीदें थी आपकी, उसके अनुसार कितना ज़मीन पर आए? जी, जो डाटा यहाँ पे यार बताए गए हैं, जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली है कि जो वहाँ पे वादे किए गए थे उनको वाकई में ही ग्राउंड लेवल पे लाया गया है और उन दोनों को अग्रसर किया गया है। मतलब जितनी भी चीज़ें आती हैं, हम तो फिल्म वाले हैं, हम तो फिल्म के लिए आते हैं यहाँ पर, और हम देखते हैं कि यहाँ पर हर तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो रेडी है, चाहे वो जो मेडिकल हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो पुलिसिंग हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, या हर चीज़ में जो है उत्तर प्रदेश बहुत सक्षम और बहुत ही बड़ा हो रहा है। इतने बड़े स्टेट को, हुमंगस स्टेट को संभालना भी कोई छोटा मोटा काम नहीं है असल में, है ना। तो ये योगी जी ने अगर इस स्टेट को उस लेवल पे संभाला है, और आज इस समिट से हमको कम से कम ये पता चला है कि इस प्रदेश के अंदर तरक्की और सिर्फ तरक्की की बात होती है, डेवलपमेंट की बात होती है। आज इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ बन रही है यहाँ पर। यहाँ अगर हम बात करें, हम अपनी फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, तो उत्तर प्रदेश हमेशा जो है हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चला है। उत्तर प्रदेश जो है आज इट इज़ मोस्ट फ्रेंडली स्टेट इन द कंट्री, जो कि नेशनल अवार्ड तक जीत चुका है। आज यहाँ पर जो फिल्में बनती हैं यहाँ पर, हर रोज़ कोई ना कोई यहाँ पर लखनऊ में या कानपुर में या इलाहाबाद में या वाराणसी में कहीं ना कहीं कभी ना कभी यूपी में पिक्चर हर रोज़ बन रही होती है। मैंने खुद अपनी फिल्म बनाई है कागज़, पंकज त्रिपाठी उसके अंदर, और कागज़ जो है मैंने यहाँ पे सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में बनाई, बिस्वा वहाँ पे जगह है, और हमने जो कंदुनी गाँव था, तो शूटिंग का मज़ा इसलिए आया कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो आपकी मदद के लिए खड़ा हुआ था। तो आज ये जो दूसरा ये जो समिट हुआ है, ये यही दिखाता है कि जो पहले वादे किए थे 100% उनको पूरा किया गया, तभी तो लोगों का विश्वास जो है वो हमारी मतलब योगी जी में है, नरेंद्र मोदी जी में है, और हमारे जितने यूपी के प्रोग्राम हैं वो सब धरातल पर आए हैं और उनको कंप्लीट किया गया। लॉ एंड ऑर्डर की एक बात हो रही थी, उसको लेकर आप कितना संतुष्ट हैं? यहाँ के जो हालात हैं, पहले भी शूटिंग्स होती थी कई बार, ये एक फीडबैक रहता था जो टीम आती थी कि यहाँ पर व्यवस्था संभालने में दिक्कतें आती थी, आज क्या अनुभव? देखिए जी, मैं तो आपको बताऊं कि मैंने तो मतलब इतना ज़बरदस्त लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात करें, मैं सीतापुर में बिस्वा में किया था, और मेरे को तो एक दिन भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया, या मेरे को कभी किसी को कांटेक्ट करने में, चाहे वहाँ के लोकल SP चौधरी साहब हो, या DM शीतल वर्मा हो, या हमारे DG साहब हो, ना OP सिंह जी, मतलब वन फ़ोन कॉल अभी होता था कि कभी कोई आपको समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आपको शूटिंग के लिए किसी तरह की आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और वो हुआ, वो हमने किया सबने, तभी हम अपने समझ लो कि हम 2 महीने के अंदर पूरी शूटिंग जो है वो सुचारू रूप से कर पाए। सर, एक आखिरी सवाल लेंगे कि अब तो संसद में कई अभिनेता भी पहुंच चुके हैं, इससे फिल्म इंडस्ट्री को कितना फ़ायदा आपको दिखता है? देखिए, हमारी आवाज़ उठाने के लिए कम से कम और लोग पहुँच रहे हैं, ज़्यादा पहुँच रहे हैं, और जो हमारे एक अभिनेता की पॉपुलरिटी होती है उसका कम से कम एक एडिड वैल्यू मिलती है हमारे पॉलिटिक्स के अंदर। हमारे बोलने वाले हैं, सीख रहे हैं, हम अभिनेता होते हैं तो हम किसी भी सिचुएशन में अपने आप को ढाल लेते हैं असल में। तो हमको बड़ी बड़ी खुशी है कि रवि किशन जैसे जो है वो गोरखपुर सीट से जो जीत के आई है, हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारे छोटे भाई का इतना बड़ा वो है कि वो उसकी जो पॉपुलरिटी है, जो उसकी जो विचारधारा है, वो अपने देश के प्रति, अपने स्टेट के प्रति कितनी ज़बरदस्त। धन्यवाद। हमने सतीश कौशिक जी को सुना, जिन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि पिछले कुछ सालों में अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सुधरी है, निवेश के लिए जो माहौल है वो काफ़ी पॉजिटिव बना है, और अगर फिल्म इंडस्ट्री के लिए बात किया जाए तो यहाँ पर हालात काफ़ी बेहतर हुए हैं और फिल्म उद्योग को यहाँ पर काफ़ी बढ़ावा मिल रहा है। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, ABP गंगा, लखनऊ।